राजस्थान विधानसभा में सोमवार को जल संसाधन और वन की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान कांग्रेस विधायक ने वसुंधरा राजे का नाम लेकर एक बार फिर राजस्थान की सियासत में हलचल मचा दी। कांग्रेस विधायक ने भाजपा पर आरोप लगाया कि उन्होंने वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने की कोशिश की है। नमस्कार, मैं शेख जोया, आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज। दरअसल कांग्रेस विधायक रामकेश मीणा ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उन्होंने वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए ईआरसीपी का नाम बदला। कांग्रेस से लेकर निर्दलीय विधायक लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भजनलाल सरकार ने ईआरसीपी का जो एमओयू किया है उसे सार्वजनिक किया जाए। ऐसे में विधानसभा में जल संसाधन और वन विभाग की अनुदान मांगों पर बहस करते हुए कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने ईआरसीपी को फुटबॉल बना दिया और वसुंधरा राजे को नीचा दिखाने के लिए इसका नाम बदला गया। मीणा बोले कि जब बार बार मांग की जा रही है तो इसके एमओयू को क्यों नहीं सदन की पटल पर रख रहे हो? आप जनता को बताइए कि इन शर्तों पर मध्य प्रदेश के साथ समझौता किया गया, आपको बताने में क्या शर्म है? सुनिए रामकेश मीणा ने क्या कुछ कहा। ईआरसीपी की कल्पना, ईआरसीपी की बात भारतीय जनता पार्टी और तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी ने 2005 में मध्य प्रदेश से समझौता करके और इस ईआरसीपी की बात को चालू किया। 2005 के बाद में जब वसुंधरा जी को दोबारा मौका मिला 2017 में, उन्होंने इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया। 2017 में बेबकोस कंपनी से इस ईआरसीपी के प्रोजेक्ट का ये लॉन्च किया। ईआरसीपी के प्रोजेक्ट को 50% डिपेंडेबिलिटी पर उन्होंने इसको बनाया। सीडब्ल्यूसी के जो मापदंड है, 2010 के जो मापदंड है, वो मापदंड के अनुसार इस प्रोजेक्ट को बना करके, और राजस्थान का जो हिस्सा था वो राजस्थान का हिस्सा 3921 एमसीएम पानी राजस्थान को मिलना था साथियों, लेकिन आप जो वर्तमान में सरकार और इससे पहले जो केंद्र सरकार में गजेंद्र सिंह जी शेखावत साहब जल शक्ति मंत्री बने और उन्होंने ये सोच करके भारतीय जनता पार्टी की अंदरूनी राजनीति के कारण और वसुंधरा जी को ये श्रेय नहीं जाए, वसुंधरा जी को नीचा दिखाने के लिए, केवल मात्र उनको नीचा दिखाने के लिए इसको अलग तरीके से इसका ईआरसीपी से हटा करके और पीकेसी नाम दे करके और 75% डिपेंडेबिलिटी पर इस योजना को बनाने का काम किया।